अभी थोड़ी देर पहले ना बाघ यहाँ पर रोर कर रहा था, मतलब, और बाघ शायद उनकी बकरियों के बीच में पड़ गया, तो घास के लिए जैसे जा रहे थे ना, गाना लगाते हुए जा रहे थे। दोस्तों क्या हालचाल, काफी दिनों के बाद मैं अपने घर से व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले काफी सारे व्लॉग देखे होंगे जिसमें कि मैंने इधर उधर जाके बताया था। आज ऐसा करते हैं कि आज अपने घर से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह उठने के साथ में मौसम के हालचाल कुछ अच्छे नहीं है, आसमान थोड़ा सा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम पर ठंड नहीं है भाई, ठंड बहुत कम है, बहुत कम। रात को होके रहे ना, ये माल्टे गिरने पर लगे हैं, बस इस वाले पेड़ के बहुत सारे माल्टे गिर रहे हैं। और जब रात को गिरता है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ आ तो नहीं गया, कोई जानवर तो नहीं आ गया। रात को पता कब गिरते हैं, जब 1:30 बज रहे होते हैं, और उस टाइम पे कई बार मैं उठा होता हूँ, बम से गिरते हैं और लगता है कि कुछ आ गया। और आज तो लगता है कि धूप के दर्शन नहीं होने वाले हैं, लेकिन चलो जो भी है बढ़िया। और यहाँ पर बन रहा है अपना खाना सुबह का, तो ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारा, सब्जी रोटी दाल जो भी है वो सब चीज़ें मिक्स बन रही है। क्या सब्जी बनी चा? प्याज के पत्तों की सब्जी बना रखी है मतलब ना, तो ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट बनी गया थोड़ी। हाँ, जो बीज बीज के लिए जो प्याज लगा रखा है ना, जिससे बीज बनाया जाता है, तो उसके पत्ते हो रखे थे, तो उसकी सब्जी बना दी मतलब अभी के टाइम पे पत्तों की। और थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट करके आज गड़ियाँ जान गया, तो मम्मी पहले गड़ियाँ जाने का प्लान बना रही थी, तो अभी के टाइम पर कैंसिल कर दिया। तुलसी देखो, तुलसी पता नीचे कितनी मोटी हो रही है, इतनी मोटी हो गई है। और अपना स्ट्रॉबेरी की बेल, भाई बेल तो लगा रखी है मैंने, लेकिन यार हो कुछ नहीं रहा इस पे, पता नहीं। अब शायद मुझे लगता है गर्मियों में होती है स्ट्रॉबेरी ना, तो अभी ये धीरे धीरे फैल रही है। ऐसा मौसम नहीं होना चाहिए, या तो बारिश हो जाए या तो धूप लग जाए, क्योंकि ऐसा मौसम में होता क्या है, अभी के टाइम पर ठंड लग रही हो या नहीं लग रही हो कोई वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पर बहुत गंदी ठंड हो जाएगी। कुछ 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 अरे 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 बस 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 मेरा केसी फीमेल डॉग है, ठीक है। तो नाश्ता करते करते सूर्य भगवान के भी दर्शन हो गए, और धूप आ गई है लेकिन कुछ देर में चली जाएगी। साथ में थोड़ा सा यार जुकाम लगी है, जैसे कि इससे पहले भी बताया था मैंने, तो थोड़ा सा मफलर लगा रखा है गले पे, बाकी और चीज़ें थी वो धो रखी है ना। पर दादी लुक एट दी दादी, एक दादी वखर एक दादी यख, तो दादी पता नहीं क्या लिखनी चाहिए। बकरो गण बाबा पेंड। मैंने दादी को बोला कि पता नहीं दादी क्या ले जा रही है, मतलब दादी क्या लिखनी पता नहीं है ना इसका मतलब। और दादी ने बोला कि बकरी के लिए पींडू, यानी कि बकरी के लिए जो घर में बनाया हुआ आटा और ये सब चीज़ें मिक्स करी होती है ना, उसको लेकर जा रही है। सामने गड़ियाओं गड़ियाओं के ऊपर में पूरा काला आसमान, एक दादी अपने बकरे को चावल खिला रही है। दादी बुक्ट उधर चौल नहीं खिलन दी। हाँ, और एक बछड़ी को क्या बोतल चटाना चाहे दाल तो दादी दाल चटा रही है उसे ना, जैसे खाना खाया होगा तो थोड़ा सा बच गया होगा तो उसको खिला रही है मतलब। बाकी उधर को अपना गांव दिखाई दे रहा है, वो वाला पंचायत घर अपने गांव का। खैर इधर से मौसम साफ होना शुरू हो गया है, और देखते हैं शाम तक, मुझे लगता है बारिश तो नहीं आने वाली लेकिन मौसम साफ हो जाएगा शायद। बाकी ये है अपने गांव का, जो कि मैंने काफ़ी बार दिखा रखा है, छोटा सा हिस्सा, और आगे चल के एक छन पड़ती है, और नीचे को अपना गाँव, इस साइड में ऊपर को भी अपना गाँव। तो यहाँ से देखो कैसा दिखाई दे रहा है, बादल बड़े अच्छे लगे, मजा आ गया। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने पुराने ख्वाल, यानी कि ये हमारा घर था जो कि टूट गया है, और इस जगह को कहते हैं निमदरी ख्वाल। तो दादी सुबह सुबह अपने गायों के लिए ले जा रही है। सुबह का टाइम है ना, तो सुबह के टाइम पर लोग खाना खाने के बाद में अपने गाय को, ये बैल गाय हो गए, भैंस या फिर बकरियां जो भी है, उनको खिलाया करते है ना। और दादा को देखो यहाँ पे, दादा जी रहे असली तो हुक्का पकड़ के है दादा। उड़ाओ जरा धुआं करके उड़ा दे। ये हुई ना बात, पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे डिक्चे में, कंटर में, कनस्तर में, साथ में तंबाकू पी रहा है। ये है दादा का घर। खाना हो गया? हाँ खाना खा लिया। अब बकरों दगड़ जाना तैयारी है, और बकरियों के साथ में जाने की तैयारी हो रही है मतलब। और ये है अपना खलिहान, साथ में पंदेरा। पंदेरे में हमारे यहाँ पे 24 घंटे पानी रहता है, लेकिन शायद इस ब्लॉग के बाद में मैं एक ब्लॉग रिलीज करूँगा जिसमें कि मैं अपने गांव की नदी बताऊँगा। और हमारे यहाँ की नदी दरअसल सूख चुकी है, जो कि हम गदेरा कहते हैं, हम लोग अपनी भाषा में गदेरा कहते हैं, आप नाला कह सकते हैं, हम लोग छुया और ये गदेरा ऐसे करके वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो दरअसल सूख चुके हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे गाँव का पानी जाता है हमारे यहाँ से, तो आगे चल के उनके लिए भी बहुत समस्याएँ होने वाली हैं, तो उसको दिखाएँगे। और कई बार होता क्या है ना, इससे सांप आके इसमें गिरे होते हैं, मतलब इकट्ठा हो रखे होते हैं सांप इसमें, कई बार होता है ऐसा। खैर सांप तो क्या करेगा यार, कुछ नहीं करेगा,
दरअसल यार जुकाम ना लगी है, जुकाम जाने का नाम नहीं ले रही है आसानी से। खांसी तो ठीक हो भी गई है लेकिन जुकाम छोड़ नहीं रही है पीछा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह सुबह थोड़ा सा एक व्लॉग अपलोड कर देते हैं क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं लगेगा। मुझे कल शायद मैं जोशीमठ के लिए भी निकल सकता हूँ यार, क्योंकि जोशीमठ में भी दिखाना चाहिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें जोशीमठ को दिखाना चाहिए, राइट? तो वहाँ पर जाएंगे, उसको दिखाएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कल जाऊँगा या फिर परसों जाऊँगा और जाकर वहाँ पर दिखाएंगे। जोशीमठ से काफ़ी आगे तक रुद्रप्रयाग की गांव भी है जहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा मकान ढह गए हैं ना, तो उनको भी दिखाएंगे आपको। बाकी सामने वो ऊपर में गामा किला दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा है ना वो। दरअसल आपको दिखाई दे रहा होगा, नज़दीक नज़दीक है नहीं भाई। मैंने यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करी थी, हम मेरे दोस्त ने मैंने ठीक है 8 बजे हमने यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करी। शाम को वहाँ वो ऊपर जाके हम 3:30 बजे पहुँचे उस चोटी पे, तो बहुत दूर है, बहुत दूर। साथ में यहाँ पे नेटल यानी कि जो बिच्छू बूटी है, शिशाण करके भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर जंगल सा बन रखा है। बस अपलोड करके आता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कल अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो मुझे कल परसों के लिए कम से कम वीडियो स्पेयर में चाहिए ना अपलोड करने के लिए। तो अभी के टाइम पर ना पांग गांव की तरफ में आ रखा था वीडियो अपलोड करने के लिए, और यहाँ पर कुछ घसेर यानी कि दादी चाची सब, मुझे लगता है मैंने यही बोलना है, तो सभी लोग घास के लिए जा रहे हैं। घास के लिए जैसे जा रहे थे ना, गाना लगाते हुए जा रहे थे, तो मैंने कहा दिखाते हैं इसको थोड़ा सा और दादी और को दिखाते हैं थोड़ा अच्छे से। अब दादी और एक गाना लगाना चाहते हैं। दरअसल अभी बैठे के कैमरा तक चल दी गाना वैसा कर मैंने दादी दादी मतलब जवानों से ज्यादा जवान लग रही है है ना। तो सब घास के लिए जा रहे हैं, अभी से हरा घास काटना शुरू हो रहा है ना धीरे धीरे, इसलिए साथ में गाय बकरियां दादा लेके जा रहे हैं चराने के लिए। अच्छा संकट में, अच्छा वक्त घर में, अच्छा अच्छा यार आण तो लगनी, अच्छा अच्छा तो बोलो घर आते वक्त लगाएंगे अब पूरे गाने ना। ये कुके, ये मैंने कुके बोल दिया हिंदी में, हमारे बासम के मैं, हाँ मैंने मोह मैंने, अच्छा पूछ से और बैसाख तक चलनी ना गाना पूरा 1-1.5 महीना चलनी मतलब गाना है, मतलब बढ़िया। तो दिखाएंगे दिखाएंगे ये सब चीजें दिखाएंगे। हाँ हाँ ठीक है दिखो ना, अच्छा 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 ठीक है। तो दादी और ना बहुत अच्छा गाना लगाया भाई, और बोला अभी से यानी कि पूस के महीने से और बैसाख के महीने तक गाने लगाए जाएंगे, और अभी के टाइम से हरी घास काटी जाती ना, जैसे अब हरियाली आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, त्यौहार खुलेंगे है ना। एक त्यौहार आता है सबसे पहले, क्या है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो आएगा अब ना, तो अब एक तरीके से मतलब वो किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा इस साल को। अब हमारा नया साल आने वाला है वैसे भी, तो उस साल की पूरी तैयारियां चलती हैं। बाकी ये पांग गांव और अपनी वीडियो भी अपलोड हो गई है, फटाफट से स्केड्यूल करते हैं और निकलते हैं आज के लिए ना। तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं अभी अपने गांव में आ चुका हूं, और मतलब गांव से थोड़ा सा नीचे हूं, दरअसल गांव के नीचे। इस जगह को सूर्यकोण धार कहते हैं, बोलते हैं इन जगहों पे पहले सूरजमुखी की खेती करी जाती थी, पता नहीं भगवान जाने पुराने टाइम पे। तो मैं जा रहा हूं थोड़ा सा नीचे को, और नीचे को मैं क्यों जा रहा हूं मैं बताता हूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले ना बाघ यहाँ पर रोर कर रहा था, मतलब बहुत तेज़ ना, मैं ऊपर से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन साउंड ऊपर उतना अच्छा आ नहीं रहा था कैमरे में ना, मतलब सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा नीचे चलते हैं, पर नीचे दरअसल लोग भी हैं तो नीचे जाने में कोई खतरा नहीं है, तो मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। नीचे बकरियाँ चल रही हैं और बाघ शायद उनकी बकरियों के बीच में पड़ गया है, तो और अगर बाघ दिखता है तो मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा, कतई मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे जल्दी जाना पड़ेगा, उस साइड में भी लोग हैं, इस साइड में भी लोग हैं ना, तो यहीं बीच में कहीं पे बाघ ना, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा भाई। नीचे जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है यार, रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। तो फूफू यहाँ पर दरअसल बकरियाँ चरा रही है, उनकी बकरियाँ ना इधर को जा रखी हैं, और इधर को बाघ भी घूर रहा है बहुत तेज, 2 बार घूर गया ना, दो बार घूर गए यहाँ पे। और ये हमारे गाँव की यहाँ पे नदी है, केवल
अच्छा नगर तो उन बोलो ना मैं नक्सा में कलगढ़ जो अच्छा नक्से में वैसे कलगढ़ है ये वाला एरिया और वैसे इसको वो भी कहते हैं बाणा खाडोल भी कहते हैं इसको बुआ की बकरियां ना ऊपर में जा रखी है उस साइड में और मैं जो आया हूँ मैं यहाँ से नीचे उतरा था इन जगहों से ये दरअसल ये जो रास्ता सा बना दिखाई दे रहा ना ये रास्ता नहीं है ये यहाँ से पाइपलाइन जा रखी है हाई प्रेशर वाली पाइपलाइन जा रखी है बहुत मोटी पाइपलाइन तो इस रास्ते से चलते हैं भाई साहब रास्ता बहुत खतरनाक है रे बहुत ही डेंजर रास्ता है रास्ता नहीं है पत्थर ऐसे अटके पड़े ना एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर तो इन पत्थरों के ऊपर से जा रहा हूँ रास्ता नहीं है पत्थर अटके पड़े हैं बस जो ऊपर से गिरे होंगे ना रोड खोदने की वजह से वही पत्थर है जब रोड नहीं थी हमारे गांव में तो हम इसी रास्ते से उकाल गांव जाया करते थे आज बहुत सालों बाद यहां पर आना हुआ है अदरवाइज तो जब से रोड बनी है तो कौन आता है यार कोई नहीं आता इस रास्ते से ना कौन आएगा इन भीड़ों से घूमते हुए कोई नहीं आने वाला रिकक वित जी ढूंढना अच्छा तो भालू की वो भी है गुफा भी है नीचे बोला हाँ धूप की बकरियां यहाँ पर चल रही है और बाघ की आवाज़ कहीं इधर कहीं से ही आ रही है भगवान जाने कहाँ से आ रही है देखते हैं थोड़ा वेट करते हैं और फिर निकलते हैं उसके बाद में आज के दिन पर ऐसा लग रहा था कि जुकाम ठीक हो गई है लेकिन लग रहा है कि अभी जुकाम ठीक नहीं हुई है थोड़ा सा और रेस्ट चाहिए तो नीचे से काफ़ी ऊपर तक आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा सांस फूल गए भाई साहब बहुत ज़्यादा यहाँ से तो खैर नीचे दिखाई भी नहीं देगा जो जहाँ पर मैं जा रखा था तो बहुत नीचे है भाई और जगह बड़ी खूबसूरत है बहुत प्यारी सी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था बोलते हैं कि इस जगह पर पहले सूरजा कौन यानी कि सूरजमुखी के फूलों की खेती करी जाती थी पुराने लोगों में ना खेत की कमी हुआ करती थी तो उस टाइम पर होता क्या था कि सभी लोग खेती पर डिपेंडेंट थे जैसे मेरे दादा भी बहुत बताते हैं हमको ठीक तो उस टाइम पर ना ऐसी जगहों पर खेती भी करी जाती थी जिनमें कि जो मतलब धान और ये सब चीज़ें हैं इनको छोड़ के ना जैसे सूरजमुखी हो गई भांग हो गई इन जगहों पर ऐसी खेती करी जाती थी मतलब उस टाइम पे रिकॉर्डिंग भी काफ़ी हो गई है लगभग मैंने 40 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग कर दी है सुबह से अभी तक तो अभी ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद है कि आप सभी ने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना हमने 10,000 फॉलोवर आज के दिन हो जाएंगे ठीक है और मुश्किल से 25 फॉलोवर बचे हैं और 10,000 फॉलोवर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए सो आज के दिन पर हम 10,000 फॉलोवर फैमिली जो है हमारी फेसबुक पे वो कंप्लीट कर देंगे भाई और यूट्यूब पर तो आप अपना प्यार दिखा ही रही हैं और यूट्यूब के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है जोशीमठ भी जाने वाला हूँ मैं जोशीमठ की भी वीडियोस दिखाऊंगा वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स दिखाएंगे ये सब चीज़ें दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार कि अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ठीक है और कमेंट भी कर लेना अपने प्यारे से कमेंट करना जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट में हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ ठीक है तो कमेंट भी कर लेना मिलते हैं कल की वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।